आज का जो टॉपिक है रोटेशनल मोशन में वो है रोलिंग। अभी तक हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया था सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट किया हमने, हाउ टू कैलकुलेट दी पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि जिसमें जिन बॉडीज में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उनमें सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही होता है। उसके बाद हमने जो कॉन्सेप्ट किया वो किया टॉर्क का, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। फिर उसके बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया। अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट टॉपिक किया। हमने बॉडी को अभी तक रोल नहीं करवाया, अभी तक बॉडी रोल नहीं की। आज बॉडी क्या करेगी, रोल करेगी। तो टॉपिक का नाम क्या है, रोलिंग मोशन। एक पॉइंट को समझ लो, अब आज की डेट में आपके पास तीन किस्म की मोशंस हैं। पहली ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है बॉडी का स्लाइड करना, सीधा चलना, ट्रांसलेट करना, जैसे लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन एक। दूसरी मोशन, अगर कोई बॉडी खड़ी खड़ी घूमती है, रोटेट करती है, जैसे डिस्क खड़ी खड़ी रोटेट करे जा रही है, पंखा खड़ा खड़ा घूम रहा है अपने एक्सिस पे, ये है प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन। और तीसरी टाइप की मोशन है जब ग्राउंड के ऊपर कोई बॉडी रोल करती हुई जाती है, आगे भी जा रही है और घूमती हुई जा रही है, उसे बोलते हैं रोलिंग, रोलिंग। तो तीन हमने अभी तक ट्रांसलेशन मोशन किया, आज हम क्या करेंगे, प्योर रोटेशन और साथ में रोलिंग। तो अगर हम रोलिंग की बात करते हैं, रोलिंग से पहले मैंने क्या बताया कि दो किस्म की मोशन है। पहली प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन मैंने बता दिया कि बॉडी का लीनियरली मूव करना इज प्योर ट्रांसलेशन मोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है और वो प्योरली ट्रांसलेट कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ ई सेंटर ऑफ मास, तो इसका हर पार्टिकल आगे मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ ई सेंटर ऑफ मास। उसका सेंटर भी मूव करेगा विद वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, इसका टॉप का पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला, हर पार्टिकल मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ ई सेंटर ऑफ मास। ठीक है यहां तक? तो क्योंकि मैंने रोटेशन की बात ही नहीं की, मैंने प्योर ट्रांसलेशन की बात की, तो प्योर ट्रांसलेशन में हर पार्टिकल आगे ही मूव करेगा विद वी सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होगी बाकी पार्टिकल की भी एग्जैक्टली सेम होगी। पहला पॉइंट क्लियर है, प्योर ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन का मतलब बॉडी का खड़े खड़े घूमना और आगे ना मूव करना, खड़े खड़े घूमना। जब मैं ये बोलता हूं बॉडी खड़े खड़े घूम रही है, तो उसके सारे पार्टिकल राउंड घूम रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं, सेंटर ऑफ मास नहीं घूम रहा। सेंटर ऑफ मास किस पे रहेगा, एट रेस्ट, क्योंकि सेंटर मास अगर मूव कर गया फिर तो बॉडी घूमेगी भी और आगे भी जा रही है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है और बाकी पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो ये कौन सी रोटेशन है, प्योर रोटेशन। क्लियर है यहां तक? अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, मतलब बॉडी आगे भी चले, मैं चाहता हूं बॉडी आगे भी चले और पार्टिकल उस सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमे भी, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, रोलिंग। तो जब कोई टायर रोल कर रहा होगा सड़क पे, तो पॉइंट टू बी नोटेड, उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल स्ट्रेट मोशन में होगा, ट्रांसलेशन मोशन में होगा, लीनियर मोशन में होगा और बाकी पार्टिकल उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, जब कोई स्फीयर रोल कर रहा होगा सड़क पे तो उसका सेंटर ऑफ मास कभी नहीं घूमता, सेंटर ऑफ मास हमेशा कौन सी मोशन में होता है, ट्रांसलेशन या स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है, बाकी पार्टिकल उसके आसपास रोटेट करते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एज वेल एज रोटेशन मोशन। ट्रांसलेशन की जो इक्वेशन है इसके अंदर हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगती है। जब कोई भी बॉडी रोल करती हुई जाती है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा किस मोशन में होता है, ट्रांसलेशन में होता है और बाकी पार्टिकल किस मोशन में होते हैं, रोटेशन में होते हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो मींस आपको कुछ नहीं करना, आप बस इमेजिन कर लें कि आगे भी बॉडी मूव कर रही है और साथ में घूम भी रहे हैं पार्टिकल्स। इसको और कैसे जो है एक्सप्लेन करना है मैं आगे मैथमेटिकली आपको सिखाऊंगा, बस अभी ये याद रखो, रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, आगे भी चल रही है बॉडी और घूम भी रही है, मींस ट्रांसलेशन मोशन एज वेल एज रोटेशन मोशन। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, जब भी कोई बॉडी रोल करती है, मान लो एक बॉडी रोल करती है और एक पूरे एक रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन का मतलब एक टाइम पीरियड में बॉडी यहां से यहां आ गई, यहां से यहां आने में ए पार्टिकल है, ये मान लो टॉप मोस्ट पार्टिकल है, ये घूमा और ये यहां पर वापस आ गया और फिर एक रोटेशन होगी, ये पार्टिकल ऊपर आ गया।
रूल नंबर वन, सेंटर ऑफ मास किस मोशन में होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा, ट्रांसलेशन मोशन में होगा, ये मैंने आपको बताया। एक रोटेशन में सेंटर ऑफ मास, और ओमेगा कांस्टेंट है, एक रोटेशन में सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 2πr। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना कवर करता है एक चक्कर में? 2πr। क्लियर है यहां तक? तो एक बात बताओ, अगर ये बॉडी रोल करती हुई आगे जा रही है, सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। तो मैं अपनी इक्वेशन सेंटर ऑफ मास पे लगाता हूं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन मोशन में है, और सेंटर ऑफ मास अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो आई कैन अप्लाई इक्वेशन s इक्वल टू vt, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन में जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो आई कैन अप्लाई इक्वेशन s इक्वल टू vt। तो यहां पर s की जगह क्या पुट करेंगे? सेंटर ऑफ मास ने कितनी दूरी कवर की? 2πr। 2πr वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, और टाइम पीरियड क्या होता है? 2π बाय ओमेगा। याद है सर्कुलर मोशन में ओमेगा इज 2π बाय t, t इज 2π बाय ओमेगा। तो यहां से 2π से 2π कैंसल, और एक फॉर्मूला बाहर आया, v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r ओमेगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला क्या शो कर रहा है? ये फॉर्मूला कहां लगेगा और क्या शो करता है? ये फॉर्मूला ये बताता है कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी क्या कर रही है? रोल। रोल का मतलब आगे भी जा रही है और जो है रोटेट भी कर रही है। तो सेंटर ऑफ मास किस मोशन में होता है? ट्रांसलेशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है, ट्रांसलेशन मोशन में होता है। तो सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन में है। अगर मैं इसका रेडियस आपको 1 मीटर दूं, अगर मैं आपको यह बता दूं कि ये कांस्टेंट ओमेगा से मूव कर रही है 2 radians per second, तो और मुझसे कोई पूछे कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी आगे जाने की, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा 1 × 2, तो आंसर क्या आएगा? 2 meter per second। तो ये फॉर्मूला आपको सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन देगा कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी जब बॉडी रोल करती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पहला फॉर्मूला सबको समझ में आ गया कि जब कोई बॉडी रोल करती हुई आगे जाएगी, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन में होगा, ट्रांसलेशन मोशन में उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? मैंने इसके अंदर ये अजम्पशन मानी है, ये मैंने लिख दिया इसमें, रिमेंबर व्हेन अ बॉडी इज रोलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बता दिया मैंने। अब मैंने इसमें जो मैं अभी बता रहा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पहले भी सुना हुआ है, और किस चैप्टर में सुना हुआ है? सर्कुलर मोशन में सुना हुआ है। याद है सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। उस फॉर्मूले का इस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। चांस की बात है कि फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या गया सेम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कुलर मोशन में जो v इज इक्वल टू आर ओमेगा निकाला और इसमें जो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आया वो सेम है। नहीं, सेम नहीं है। सर्कुलर मोशन में हमने क्या किया था? पहली बात, सर्कुलर मोशन शेप्स को कंसिडर नहीं करती थी। सर्कुलर मोशन में पॉइंट मास होता था, तो मैं हमेशा बोलता था जैसे पॉइंट मास है, पॉइंट मास एक एक्सिस के आसपास घूम रहे, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी? आप बोलते थे v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो सर्कुलर मोशन में ये वेलोसिटी कौन सी होती थी? टेंजेंशियल वेलोसिटी, राइट? ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होती थी, और इसमें मास क्या होता था? पॉइंट मास होता था, और टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होती थी। बट रोलिंग मोशन के अंदर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं है, ये कौन सी वेलोसिटी है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला बाय चांस एग्जैक्टली सेम है, अगर आप गलती से सर्कुलर का फॉर्मूला भी यूज कर गए क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो सेम ही आएगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। बट आपको समझ में आना चाहिए कि वो कुछ और वेलोसिटीज हैं और ये कुछ और वेलोसिटी है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर ओमेगा कांस्टेंट है, टायर या स्फीयर घूम रहा है तो कांस्टेंट ओमेगा, तो उसका v सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमेगा। तो v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर ओमेगा में ओमेगा इज अ कांस्टेंट, तो v इज अ कांस्टेंट। लेकिन अगर स्फीयर ने ओमेगा बढ़ाना शुरू कर दिया, ओमेगा स्लो, तेज 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 तेज, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो v सेंटर ऑफ मास भी बढ़ेगा, तो सेंटर ऑफ मास अब एक्सेलरेट करेगा, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अब क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ऐसे केस में अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, तो ओमेगा अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें क्या जनरेट होगा? एल्फा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखें, डी बाई डी टी दोनों तरफ लगाएं, तो डी बाई डी टी ऑफ v सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ए सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा,
और ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं होगा, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा एल्फा, तो इसमें क्या होगा ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर एल्फा। तो अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो वी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा, और अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एल्फा गिवन होगा तो सेंटर ऑफ मास भी एक्सेलरेट करेगा, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे ए इज इक्वल टू आर एल्फा। क्लियर है? तो अब तक हमने तीन पॉइंट सीखे। पहला पॉइंट, अगर हम रोलिंग को कंसिडर करें, रोलिंग का मतलब बॉडी का घूमना भी और आगे भी जाना, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज प्योर रोटेशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कोई बॉडी रोल करती है विद कांस्टेंट ओमेगा तो उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर कोई ओमेगा को इंक्रीज करता है रोलिंग के अंदर, अगर ओमेगा इंक्रीज होता है तो सेंटर ऑफ मास की जो का जो पॉइंट है वो एक्सेलरेट करेगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा ए इज इक्वल टू आर एल्फा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक,